वो आधुनिकीकरण की युग हो गया ना, तो अपना भी रोजगार जो है छिन गए। तो अब ऐसे हम करते हैं, पहले से गमे वगैरह करते थे, किसान का वो बंद हो गया है। ये काम अपना मुस्तैनी धंधा है, चार पीढ़ी बीत गया है और ये इसको हम सहन बोलते हैं। सहन धार लगाने का, कैंची वगैरह जो इसमें आता है ना धार करने लायक, उसको सब चीज़ को इसमें लगाते हैं धार। बाजार तो मैं एक ही गाँव यहीं से करता हूँ, ऐसे तो मांग बहुत है लेकिन अपने को समय नहीं मिलता। काम करते हैं और बाकी चीज़ गाँव में ऐसे औजार बनाने का काम करते हैं और पौनी प्रथा बंद हो चुका है, अब पैसा नहीं काम करते हैं। वो आधुनिकीकरण की युग हो गया ना, तो अपना भी रोजगार जो है छिन गए। तो अब पैसे हम करते हैं, पहले से गमे वगैरह करते थे, किसान का वो बंद हो गया है। अब पहले की अपेक्षा तो कम हो गया है, क्या है बीड़ी मजदूर भी कम हो गया है, बनाने बहुत कम हो गया है, तो अब निकल जाता है साग सब्जी रोजी रोटी कम दो चार दिन में हफ्ता भर का। अब पिछले हफ्ते वैसे 1200 का कमाया था मैं, वो भी मतलब धार लगाने का नहीं, सामान भी मतलब बेचे हैं उस सब चीज़ करके। और धार का अलग अलग नहीं, वो मुश्किल से हो जाता है, 600-700 हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं होता उसमें। पहले जैसे नहीं, पहले तो 1200 को हो जाता था। साइकिल में जब करते हैं वही? हाँ वही वाला है। तब साइकिल क्यों नहीं लगता? साइकिल इसमें उसमें पत्थर में फर्क होता है, उसमें ज़्यादा लोहे काटता है। इसको आप साल भर चलाओगे ना, उसमें इसमें धार लगाओगे ना, साल भर चलेगा। वो कैंची को जब मजा नहीं आया था यहाँ तो यहाँ क्यों आते हैं? क्या करें, उधर नहीं है ना, इसे साइकिल वाला जाते हैं तो उसमें जो अपना कैंची वो खिया जाता है ज़्यादा, जो चलना है एक महीना चलना है तो 10 से 3 में ख़त्म हो जाता है। और ये वाला में अच्छा से टिकता है, लोहा धार भी अच्छा से होते हैं, बहुत ताकत लगता है इसमें। शुरू में ये छिल जाता है, ये दर्द करता है इसमें,